कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। नया ब्लॉग मैं स्टार्ट कर दिया है। सो आज मैं आपको दिख रही हूँ रेडी रेडी। ये है मेरा फुल लुक। सो अब मैं जा रही हूँ मार्केट क्यों जा रही हूँ आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। सो करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। सो करते हैं कंटिन्यू ब्लॉग को। सो आप सबको पता है कल है तीज, तो तीज है ना, तो मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था मार्केट से, तो सोचा मैं फटाफट सुबह और आज तो नहा कर ही कुछ करना होता है, तो फटाफट नहाई और सोचा कि बाहर का काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो दिन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो मैं मार्केट से थोड़ा बहुत सामान लूँगी और मेहंदी लगवाऊँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं, बहुत सारी आपको बातें करनी है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट इतना करती हूँ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए मेरे चैनल को। तो मैं आ गई हूँ मार्केट से और ले लिया मैंने बहुत सारा सामान। ये देखो बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा, बहुत रश है सुबह, सुबह ही रश है मार्केट में। तो चलते हैं घर, उसके बाद फिर लगवाने जाएंगे मेहंदी। क्या मैं आ गई मार्केट में मेहंदी लगवाने। आज मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने सूट किया है आप देखिएगा। यहाँ शॉप पे ना मैं इयररिंग्स पहनने आई थी, तो जिस तरह के मुझे इयररिंग्स चाहिए थे ना वैसे मुझे नहीं मिले, तो मैंने कहा फिर कोई फायदा नहीं मैं लेकर, और वैसे भी रोज कोई पहनना ऐसा होता नहीं है सोचा, तो मैंने फिर नहीं लिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ भी देखा, मैंने कहा एक बार ट्राई करती जो होगा फिर। बट एक्चुअली ना मुझे बहुत हैवी पहनना ना पसंद नहीं है, मैं लाइट में ही कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जो लाइट वेट हो और साड़ी पर अच्छा लगे, बट वो नहीं मिला मुझे तो मैंने नहीं लिया। फिर मैं आ गई यहाँ पर मेहंदी लगवाने। सो मैं यहाँ बैठी, आज बहुत कॉस्टली इन लोगों को पता था, मतलब कल तीज है, आज इन लोग बहुत ज़्यादा कॉस्टली इन लोगों ने मेहंदी लगाई। दो हाथ का ये मेरा बोल रहा था 400, बट मैंने थोड़ा बार्गेनिंग की तो 300 में इन्होंने मेरे दो हाथ लगाए, ठीक था। हाँ मतलब ऐसे ज़्यादा ना मैं मेहंदी भी नहीं लगवाती, हाँ ठीक है ओकेजन है फेस्टिवल है तो लगवा लिया, बट हाँ ठीक था। तो मैं आज मैं अकेली आई थी तो वीडियो भी मैं खुद ही शूट कर रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर नहीं पाई, एक ही हाथ का शूट कर पाई, दूसरे हाथ का शूट नहीं कर पाई। भैया बोल भी रहे थे अब दूसरे हाथ का कौन करेगा, बट कोई नहीं। अब मैं जा रही हूँ कुछ स्वीट्स लेने। एक्चुअली घर में ही ये सब चीज़ें बनती हैं, बट हाँ यार यहाँ पे ना पॉसिबल नहीं होता, तो मैंने सोचा मैं ना गुजिया ले आती हूँ, बाकी के जो फल फ्रूट्स होंगे वो हम रात को ख़रीद लेंगे। सो चलिए चलते हैं गुजिया लेने। तो अब मैं आ गई हूँ सारा काम करके, और ये देखिए ये है भूजा चना और ये मकई। कहाँ से मंगाए हो मम्मी? बिहार से कोई आया है तो मैं मंगाई हूँ। ओह सो ये देखिए बिहार का देसी भूजा आया है, जो कल भूजा बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे, कल तो नहीं परसों, कल मेरा फास्ट है व्रत है, तो कल हम ये भूजा ना खा कर परसों खाएंगे और आपको मैं दिखाऊंगी। हाँ जी, तो आप लोगों की हो गई तीज की तैयारी, मेरी यहाँ हो गई ऑलमोस्ट, और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेटिक था, बहुत ही मतलब इधर उधर भाग दौड़ वाला था, सो मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब खाना खाने का भी इस टाइम मन नहीं कर रहा, बट कोई नहीं, यहाँ पर व्लॉग का अब कर रही हूँ एंड। कल
और भी स्पेशल ब्लॉग लाने की कोशिश रहेगी मेरी। सो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।